बिहार मुजफ्फरपुर जिले में एक दिवसीय भाजपा के नेता विधायक द्वारा धरना दिया गया, जिसमें बिहार सरकार के मंत्री इसराइल मंसूरी के खिलाफ गुरुवार को भाजपा की ओर से कलेक्ट्रेट में धरना दिया गया। इसमें जिले के सभी भाजपा विधायक, पार्टी पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता शामिल हुए। भाजपा कांटी में हुए राहुल सानी हत्याकांड का जिम्मेदार आरोप मंत्री इसराइल मंसूरी को बताया जा रहा है। इसी मामले को लेकर लगातार भाजपा विधायक मंत्री इसराइल मंसूरी पर हमलावर है। इसी के तहत पूर्व विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा धरना में शामिल हुए। उन्होंने इसराइल मंसूरी को बिहार सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि बिहार में अपराधियों का राज है, बिहार में सुरक्षा व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है, बिहार में कोई भी सुरक्षित नहीं है। देखिए, आज राहुल साहनी की हत्या और उसके परिवार के द्वारा यहाँ के माननीय मंत्री इसराइल मंसूरी जी का नाम देना और उसको बचाने के लिए FIR नहीं करना और इस तरह से अपराधियों का मनोबल बढ़ाना, दर्जनों हत्या अपहरण लूट बलात्कार रंगदारी का खेल यहाँ हो चुका है और इस पर एक्शन नहीं लेकर के आज शराब के नाम पर झूठे लोगों को फंसाने का खेल खेलना और जो दोषी है, जो सत्ता में बैठा हुआ अपराधी है, उसको बचाने का खेल, कहीं ना कहीं प्रशासन पर दबाव, इन तमाम मुद्दों को लेके बैठे हैं। ये लड़ाई अब सड़क से सदन तक जाएगी और ये भ्रष्टाचारी अपराधियों की और भ्रष्टाचारियों की सरकार जिस तरह से मुजफ्फरपुर, पटना, आरा, समस्तीपुर, आपके छपरा, गोपालगंज, सिवान, हर जगह, बेगूसराय, हर जगह अपराधियों का मनोबल चरम पर पहुंचा। हर दिन जनप्रतिनिधि मारे जा रहे हैं, आम लोगों की हत्या हो रही है, रंगदारी मांगा जा रहा है, पत्रकारों पर हमला हो रहा है और जो न्यूज़ को सही रूप से दिखाता है उस पर ही FIR करके और किसी न किसी बहाना बना के प्रताड़ित करना। इस तरह की तमाम घटनाओं को लेकर के आज सरकार के विरुद्ध, शासन प्रशासन के विरुद्ध हम लोग एक दिवसीय धरना का कार्यक्रम में बैठे हैं।